नमस्कार दोस्तों, आज मैं हमारी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रैटेजी स्कैनर्स के साथ, जैसे कि गूगल फाइनेंस का स्कैनर, एनएससी बेस्ड स्कैनर। तो किस तरह से एवोल्यूशन हुआ हमारे स्कैनर्स का, कैसे हम पहले यूज करते थे, अभी क्या यूज कर रहे हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आई, क्यों हमें चेंज करने पड़े स्कैनर्स, और अब मैं क्या नया लेकर आया हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो जो लोग मेरे स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, बाय लो सेल हाई, शेयर जीनियस, स्विंग ट्रेडिंग, 100 SMA, इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए, उन लोगों को ये सोल्यूशन आई होप बहुत पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एवोल्यूशन ऑफ आर स्ट्रैटेजी स्कैनर्स। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था गूगल फाइनेंस शीट से। गूगल फाइनेंस शीट के बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं कि इसमें गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला लगाकर हम आसानी से किसी भी स्टॉक का डेटा कुछ ही सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट यह है कि उस डेटा के बेसिस पे हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हमारे स्ट्रेटेजी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बाय लो सेल हाई का स्कैनर है, इसमें हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स एडेड हैं, और जहां जहां ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पे है यस स्टार्ट GTT ऑर्डर, यानी कि ये वो स्टॉक्स हैं जो एलिजिबल हैं बाय लो सेल हाई के ट्रिगर के लिए, और हम इनमें ऑर्डर्स बना सकते हैं। तो ये है हमारा स्कैनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला से आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, हम प्राइस यहाँ निकाल रहे हैं गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला यूज करके। तो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम सेकंड्स में डेटा निकाल लेते हैं और फिर फिगर आउट कर पाते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में हमें ध्यान देना है, किसमें हम ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और गूगल फाइनेंस शीट का ये भी एक फायदा है कि जैसे मैंने निफ्टी 50 की शीट आपको बना के दी, लेकिन आपको किसी कस्टम स्टॉक को ऐड करना है, आप सिंपली जाके यहाँ पे कोई भी स्टॉक का कोड डालेंगे और ऊपर के सारे फॉर्मूलाज कॉपी करेंगे, तो वो आपको उस स्टॉक के डिटेल्स भी देने लगेगा। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी गूगल फाइनेंस शीट में है। लेकिन फिर गूगल फाइनेंस शीट के कुछ इश्यूज भी थे। सबसे पहला इश्यू क्या है, इसमें डेटा कई बार गलत आते हैं, क्योंकि गूगल फाइनेंस डेटा अपडेट करने में टाइम लगा देता है। कई बार वो प्राइसेस थोड़े ऊपर नीचे दिखाता है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे, कभी कुछ पैसे ऊपर नीचे, तो इतना रिलायबल नहीं होता ये। कई बार हमें गूगल फाइनेंस में इंटरनल एरर्स आते हैं, जहां जहां हमने गूगल फाइनेंस के फॉर्मूला लगा रखे होते हैं, कुछ देर बाद शीट खोलो तो वहां एनए 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 लिखा आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा शीट रिफ्रेश करनी पड़ती है, और अगर शीट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो रिफ्रेश करने में टाइम लेती है। कई बार वो एनए एरर फिर भी नहीं जाते, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और तीसरा इशू ये कि जो डेटा है गूगल फाइनेंस में, क्योंकि हम ये जो सारे स्कैनर्स हैं एंड ऑफ द डे देखते हैं कि किस किस में क्या एलिजिबिलिटी बन रही है, और उसके हिसाब से नेक्स्ट डे के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो गूगल फाइनेंस से जब हम डेटा पुल करते हैं, तो वो हमें आधी रात के बाद डेटा अपडेट करता है, यानी कि हमें अगली सुबह चेक करना पड़ता है कि क्या क्या डेटा है और क्या क्या ऑर्डर्स मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की बहुत कम मिलती है। तो ये सारे इश्यूज आने की वजह से हमने फिर नए सॉल्यूशन ढूंढने शुरू करे। तो इसके बाद मैंने बनाया था पाइथन कोडिंग बेस्ड एनएससी डेटा शीट। इसमें मेरी कई लोगों ने मदद करी, पहले सुमित जी ने, फिर अभी विवेक जी मदद कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हम पाइथन में कोडिंग लिखते हैं और एनएससी के डेटाबेस से वो सारा डेटा पुल करते हैं जो हमें स्टॉक्स का चाहिए, और उसके बेस पे हम स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स एलिजिबल है। बाय लो सेल हाई के लिए मैंने ये नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने और स्ट्रेटेजीज लाइक शेयर जीनियस, स्विंग ट्रेडिंग और 100 SMA, उन सब के लिए ये वाली शीट बनाई थी। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो प्राइसेस हमें मिलते हैं शीट में वो एनएससी से आते हैं, तो वो हमेशा एक्यूरेट होते हैं। सेकेंड, हमें डेटा 7:30 बजे शाम तक आराम से मिल जाता है, यानी कि हमारे पास काफी टाइम होता है डेटा को एनालाइज करने का और अपने मनपसंद स्टॉक्स जो भी एलिजिबल हैं उनमें ऑर्डर प्लेस करने का। और तीसरा ये फायदा था कि हम कई सारे स्टॉक्स में उनकी हिस्ट्री भी ट्रैक कर पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग की जो शीट है, उसमें हम ये हिस्ट्री ट्रैक कर सकते थे कि कौन सा शेयर किस दिन 20-day लो को टच किया, और अभी तक क्या उसने 20-day हाई क्रॉस किया है या नहीं किया है, कब कब उसमें GTT ऑर्डर अपडेट करते हुए चलना है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज थे। तो पहला इशू है, जो हमारी स्टॉक लिस्ट है उसे हमें कोडिंग लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी स्टॉक का वो डेटा निकाल सकें वो चला जाता है, क्योंकि कोडिंग लेवल पे सिर्फ कोडर ही डिफाइन कर सकता है और हम सबको कोडिंग का एक्सेस नहीं है, क्योंकि उसके लिए पाइथन की नॉलेज चाहिए और बहुत सारी चीजों की नॉलेज चाहिए। इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी स्टॉक में लगाने की नहीं है। तो मैं या तो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 200 तक बनाया, और निफ्टी 500 भी ट्राई किया, लेकिन उसमें इतने सारे एरर्स आ रहे थे कि हमें उसे अपडेट करने में दिक्कतें आ रही थी। अभी चल रही है कोशिश कि हम उसे और अपडेट कर सकें और रेगुलरली अपडेट कर सकें, लेकिन फिर भी अभी तक फिलहाल दिक्कतें आ रही थी। तो ये पहला रेस्ट्रिक्शन है। और कभी कभार इसमें क्या होता है, जो सर्वर्स हम यूज करते हैं डेटा पुल करने के लिए, उसमें अगर कोई ग्लिच आए तो हमारा डेटा ठीक से पुल नहीं होता है, कई बार फॉल्स डेटा भी पुल हो जाता है। दूसरा इश्यू यह है कि जो हम सर्वर्स यूज करते हैं डेटा पुल करने के लिए, कई बार वो स्लो होते हैं या काम नहीं कर रहे होते हैं। होता ये बहुत रेयरली है, लेकिन जब भी होता है तो हमें मैनुअली वो चीज फिक्स करके फिर शीट को अपडेट करना पड़ता है।
जिससे कि जो ये बर्डन है सारा कोडर के ऊपर आ जाता है और उनका पर्सनल टाइम कभी खराब होता है, कभी जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं उनको टाइम से डेटा नहीं मिलता है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे एनएससी डेटा की ये रिस्ट्रिक्शन है। तो मैंने अभी तक आपको बेनिफिट्स बता दिए गूगल फाइनेंस शीट के, उसके रिस्ट्रिक्शन बता दिए, और जो पाइथन बेस्ड कोडिंग एनएससी डेटा हमने बनाया है उसके बेनिफिट्स और रिस्ट्रिक्शंस बता दिए। तो अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सारे इश्यूज हैं, हम फाइनली चाहते क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है द डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, क्योंकि अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो हम सही ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जो प्राइसेस शीट में आ रहे हैं वो एक्यूरेट होने जरूरी है। सेकेंड चीज हमें चाहिए कि वो अवेलेबल होना चाहिए टाइम पे, जैसे कि ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ उसके कुछ समय बाद वो अवेलेबल हो जाए, ताकि हम अपने हिसाब से स्टॉक्स को एनालाइज कर पाए, डेटा को एनालाइज कर पाए और अपने मनपसंद के स्टॉक्स में ऑर्डर प्लेस कर पाए। तीसरा, हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि हम अपने मनपसंद के इंडेक्स में वो डेटा स्कैन कर पाए, जैसे कि मैंने बताया गूगल फाइनेंस में हम ये कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पाइथन कोड बेस्ड शीट में हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की हम चाहे तो Nifty 50 में देखें, Nifty 100 में देखें, Nifty 200, Midcap 50, जो भी हम चाहें वो वाला चूज कर पाए। उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि ये जो भी टूल्स हमें अवेलेबल हो या तो मिनिमल कॉस्ट पे हो या फ्री हो, फ्री हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कुछ कॉस्ट पे भी करनी पड़ी तो वो मिनिमल हो, ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा टूल का सब्सक्रिप्शन लेना पॉसिबल नहीं है और वायबल भी नहीं है। इसलिए ये जो टूल्स हैं वो फ्री हो या मिनिमल कॉस्ट पे हो, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री टूल्स ही आपके लिए ढूंढ के लाऊं। तो आज के लिए जो मैंने सोल्यूशन आपके लिए ढूंढा है वो काफी समय से मेरी नजर में था, लेकिन मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था उसको एनालाइज करने का, उसे चेक करने का और उस पे अपना सोल्यूशन डेवलप करने का। लेकिन फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और उस पे मैंने पहला स्कैनर बना दिया है, और वो वेबसाइट का नाम है चार्ट इंक। आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मैंने भी बहुत पहले भी सुना था, लेकिन जब मैंने और फोरम्स में देखा इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी पावर क्या है, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक सोल्यूशन हो सकता है जो हमारे काम आ सकता है। तो इसके बेसिस पे मैंने पहला स्कैनर बना दिया है और पहली बारी आई है बाय लो सेल हाई की। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बनाया और वो कैसे यूज करना है। तो जो बाय लो सेल हाई की शीट है, जो ये निफ्टी 50 वाली शीट है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे बाय लो सेल हाई को, उन्हें पता होगा ये किस शीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चार्टिंग के दो स्कैनर्स डाल दिए हैं, एक नॉट येट ट्रिगर्ड, तो जिन स्टॉक्स में बाय लो सेल हाई अभी ट्रिगर नहीं हुआ है वो स्टॉक्स हमें मिल जाएं, और दूसरा ट्रिगर्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस, जिन स्टॉक्स में क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर ट्रिगर हो गए हैं वो स्टॉक्स हम देख पाए। तो आइए एक एक करके इन्हें दिखाता हूं आपको। तो नॉट येट ट्रिगर्ड वाला स्कैनर देखते हैं पहले। दोस्तों ये है बाय लो सेल हाई नॉट येट ट्रिगर्ड, तो इनमें अभी ट्रिगर नहीं हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया है कि जो लास्ट क्लोज प्राइस है वो नीचे होना चाहिए 25 डेज के लो, जो भी मिनिमम लो है उससे जो 5% ऊपर वैल्यू आ रही है उससे नीचे होना चाहिए। तो जो लोग बाय लो सेल हाई की स्ट्रेटेजी को जानते हैं वो जानते हैं कि हमारा ट्रिगर प्राइस जो भी मिनिमम लो होता है लास्ट 25 ट्रेडिंग डेज में, उससे 5% ऊपर जब स्टॉक चला जाए तो ही हम उसे बाय करना कंसिडर करते हैं इस स्ट्रेटेजी में। तो जो भी स्टॉक उससे नीचे है उस प्राइस से वो हमारे लिए एक एलिजिबल स्टॉक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में अभी लगा हुआ है और ये चार स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर आपको इसे निफ्टी 50 के अलावा किसी और में देखना है, से निफ्टी 100 में आप देखना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे निफ्टी 100 सेलेक्ट कीजिए, स्कैन को रन कीजिए और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको निफ्टी 100 के स्टॉक्स मिल जाएंगे। कोई अगर निफ्टी 100 के बियॉन्ड निफ्टी 200, निफ्टी 500 या फिर मिड कैप 50, इन सब में देखना चाहता है तो जो भी लिस्ट यहाँ अवेलेबल है आप उनमें देख सकते हैं आसानी से। सिंपली वो लिस्ट चूज कीजिए और रन स्कैन कीजिए और वो सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे जो एलिजिबल है। उसी तरह से बाय लो सेल हाई में जो ऑलरेडी ट्रिगर हो गए हैं, जो अपने ट्रिगर पॉइंट से ऊपर चले गए हैं क्लोजिंग बेसिस पे, वो वाले इस स्कैन में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ONGC और विप्रो आ गए हैं। जैसे कि ONGC का मैं अगर खोल के दिखाऊं आपको चार्ट, तो दोस्तों मैंने ट्रेडिंग व्यू में ONGC का चार्ट खोला है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इंडिकेटर लगा रखा है, ये जो रेड लाइन है वो है 25 डे लो, ये ब्लू लाइन है जो है 25 डे लो से 5% ऊपर, और जो ग्रीन लाइन है वो है 5% का टारगेट, ताकि हम विजुअली देख सकें कि कहाँ पे क्या ट्रिगर हुआ, कितने देर में टारगेट मीट हुआ। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें, थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे 25 डे लो यहाँ पे बना कहीं 161 ONGC में, और 25 डे लो के 5% ऊपर ये प्राइस था 169 के अराउंड। ऊपर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं GTT का आ भी रहा है 169.21, और उससे ऊपर ये क्लोज हो गया, यानी क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रिगर हो चुका है। उसी तरह अगर जो नॉट ट्रिगर्ड है वो आपको दिखाऊं, तो यहां से पहला वाला स्टॉक खोलता हूं मैं, अपोलो हॉस्पिटल।
तो इसमें आप देखेंगे ये अपोलो हॉस्पिटल का लास्ट क्लोजिंग प्राइस इस ब्लू लाइन से नीचे ही है, यानी कि ये अभी ट्रिगर नहीं हुआ है रिसेंटली। तो दोस्तों ये मैंने स्कैनर आपके लिए बनाया है जो आज से आपको अवेलेबल है यूज करने के लिए। अब इसे कैसे यूज करना है, कहाँ एक्सेस करना है, वो भी मैंने आपके लिए एक आसान तरीके में बना दिया है। इसको मैंने अपने चैनल पे अनाउंस भी किया था कुछ समय पहले। तो मैंने बनाई है फायर इन इंडिया ऑल स्ट्रेटजीज मास्टर शीट। जैसा कि आप जानते हैं मेरे कई सारी स्ट्रेटजीज पे वीडियोस बने हुए हैं, उनकी गूगल शीट्स अवेलेबल हैं, उनके ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं और अब चार्टिंग स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं। तो मैंने एक कंसोलिडेटेड शीट आपके लिए बना दी है जहाँ स्ट्रेटजी का नाम है और उसके जो वीडियो के लिंक है, महेश सर की बुक या वीडियो का लिंक जो भी अप्लीकेबल है, और गूगल फाइनेंस शीट का लिंक, किस में बैक टेस्टिंग अवेलेबल है उसका लिंक, किस में एनएससी बेस्ड शीट अवेलेबल है वहां का लिंक, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का लिंक, चार्टिंग स्कैनर्स का लिंक, ये सब मैंने एक साथ डाल दिया है। फिलहाल ट्रेडिंग व्यू और चार्टिंग मैंने बाय लो सेल हाई के लिए अपडेट कर दिए हैं। इनको मैं और स्ट्रेटजीज जो जो अवेलेबल जैसे जैसे होते हैं वो मैं यहाँ पे डालता जाऊंगा। तो इस वाली शीट का व्यू ओनली लिंक, क्योंकि इस शीट को आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं है, तो इसका व्यू ओनली लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको खोल के इसे सिंपली बुक मार्क कर लेना ताकि आप जब भी खोलना चाहें वहां से सिंपली खोल लें और उसके बाद जो वीडियो जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देख सकें। यहाँ पे सबसे नीचे मैंने मास्टर बैक टेस्टिंग का लिंक भी दे दिया आपको। तो जिन लोगों ने मेरे रिसेंट वीडियोस देखे होंगे, मैंने एक मास्टर बैक टेस्टिंग शीट बनाई है आप लोगों के लिए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने इसमें सुपर ब्रेकआउट को भी ऐड कर दिया है ताकि आप सुपर ब्रेकआउट को भी कंपेयर कर पाए बाकी स्ट्रेटजीज के साथ। ये मैंने अनाउंस किया था अपने चैनल पे, लोगों का ज्यादा रिएक्शन आया नहीं तो शायद लोगों ने मिस कर दिया उसको, मैंने कम्युनिटी पोस्ट की तरह अनाउंस किया था। बट एनीवेज, तो सुपर ब्रेकआउट भी अब आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं बाकी स्ट्रेटजीज के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी और जैसे जैसे मैं नए चार्टिंग स्कैनर्स बनाता जाऊंगा यहाँ पे मैं ऐड करता रहूंगा। तो ये सेम शीट आपके लिए अपडेट हो जाएगी क्योंकि आपको व्यू ओनली एक्सेस मिलना है, तो आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी उसे नए खोलेंगे वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है आपको दिख जाएगी और आप उसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और जल्दी ही मैं आपके लिए और ऐसे मजेदार वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू एंड बाय बाय।